सो हे देयर एवरीवन एंड वेलकम टू पोकेमॉन होराइज़न्स द रिव्यू सीरीज, जहाँ पर आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सीरीज के एपिसोड नंबर 35 पर डुओ इन द विल्डरनेस फ्रेड एंड कैप को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीम राइजिंग वर्ल्ड डेकलर्स को, जो कि एक अर्जेंट मीटिंग रखते हैं क्योंकि वो थोड़े से अंडर फंडेड चल रहे होते हैं। एंड दस टू फंड द टीम, फ्रेड और कैप डिसाइड करते हैं कुछ साइड एक्टिविटीज करने का। एंड ऑब्वियसली लीक और रॉय डिसाइड करते हैं उनके साथ जाने का। अब इस साइड एक्टिविटी के लिए फ्रेड और कैप जाते हैं एक आदमी के पास जिसका ब्रेमलिन खो चुका होता है, एंड दे हैव टू फाइंड इट, जो कि एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि वो इस पोकेमॉन को काफी जल्दी ही फाइंड तो कर लेते हैं, बट ये पोकेमॉन इसके लाइट वेट की वजह से हवा से काफी दूर उड़ जाता है। अब इसका पीछा करते करते फ्रेड, रॉय और ली को पहुंच जाते हैं एक डेजर्ट में, जहां पर ये ब्रेमलिन मिक्स हो जाता है वहां की वाइल्ड ब्रांचेस से, एंड वहां पर भी वो इसे लूज कर देते हैं। अब ये ब्रेमलिन हवा से उड़ता हुआ बस जा ही रहा होता है कि तभी इसे कुछ पोकेमॉन हंटर्स या थीव्स कैच कर लेते हैं। दूसरी ओर टीम राइजिंग वर्ल्ड डेकलर्स इस पोकेमॉन को अलग अलग जगहों पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बट वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, जिसके बाद इवेंचुअली वो इन पोकेमॉन थीव्स या हंटर्स को फाइंड कर लेते हैं। नाउ ब्रेमलिन और बाकी पोकेमॉन को फ्री करने के लिए फ्रेड और कैप डिसाइड करते हैं इन पोकेमॉन हंटर्स या थीव्स से बैटल करने का, बट टर्न्स आउट दैट कैप्टन पिकाचू हैज अ रियली डिफरेंट काइंड ऑफ वीकनेस, जिसकी वजह से इनके पोकेमॉन एक्चुअली कैप्टन पिकाचू पर थोड़े भारी पड़ने लगते हैं। बट देन लीको एंड रॉय जॉइंस द बैटल, जिसके बाद फ्रेड और कैप्टन डिसाइड करते हैं स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करने का, विच ऑब्वियसली वर्क्स, जिससे वो वन बाय वन पोकेमॉन को डिफीट करना स्टार्ट करते हैं। और इसी के बीच फ्रेड ऑर्डर देता है ब्रेमलिन को रैपिड स्पिन यूज करने का केज के अंदर, और ये पोकेमॉन फुल फोर्स में इसका यूज करता है, जिससे वो इवॉल्व हो जाता है ब्रैम्बलगास्ट में और केज को भी तोड़ देता है। अब बस इसके बाद फ्रेड और कैप मिलकर इन पोकेमॉन हंटर्स या थीव्स को डिफीट कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ली को ये सब कुछ एक्चुअली उसकी ऑनलाइन क्लास में बता रही होती है एज अ स्टोरी, जिसे सुनकर हर कोई क्लैप करता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ डेफिनेटली इट वॉज अ फिलर एपिसोड, बट दो वीक्स के ब्रेक के बाद एक फिलर एपिसोड को देखना रियली डजंट फील गुड, प्लस एपिसोड की स्टोरी भी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, सो इट वॉज जस्ट ओके, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, जिसकी वजह से आई थिंक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आई विल गिव दिस एपिसोड 1.5 आउट ऑफ 5। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।